सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड जो है ले ली है। अगर ऑर्डर बुक देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोगों की जो ट्रेड है एग्जैक्ट 12:45 पर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, 327 396 पर। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को 27 प्लस प्राप्त है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो देखिए इंडेक्स के हिसाब से हम लोग टारगेट प्लान कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट जो है वो प्लान करने वाला हूँ इस बॉटम लेवल का, यानी कि यहाँ से ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को मैं अपना टारगेट प्लान करूंगा। SL के लिए मैं अपना जो जोन रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ ये वाला अपर लेवल। ओके, तो ये मेरा सिंपल इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर SL रहना। ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं टारगेट ऑन SL की, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को 35 से 40 पॉइंट मिनिमम हम यहाँ पर टारगेट प्लान करेंगे। ओके, ये हमारा टारगेट रहना ऑप्शन के हिसाब से। ओके, तो ये हमारे प्रॉफिट चल रहा है, अभी हम वेट करते हैं अपने टारगेट SL के लिए। देखिए अभी हमें टारगेट जब मिलेगा, जब मार्केट में ये वाली ट्रेड लाइन है, कौन सी ये वाली जो ट्रेड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, तो हमें इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा, तो हमें इजीली अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर अचीव होते नजर आएगा। सो अभी हम लोग अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, हम अपना जो है टारगेट लगा देते हैं इस वाली ट्रेड में, हम लगा देते हैं ऑलमोस्ट 369 के आसपास, 369 का टारगेट जो है इसमें लगा देते हैं, इसमें लगा दिया है। सेकंड में भी अपना जो टारगेट है वो लगा देते हैं। ओके, तो 35 के हिसाब से हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 429 का, हम इसमें जो है टारगेट इसमें लगा देते हैं, सफिशियंट रहेगा हम लोगों को। ओके, आई थिंक हम लोगों का इसमें 429 के हिसाब से 35 पॉइंट नहीं मिल रहे, तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसको मॉडिफाई करके हम 432 रख देते हैं। ओके, 432 इसमें मैं अपना जो है टारगेट लगा देता हूँ, आराम से 35 प्लस हो जाएंगे। सो दोनों में टारगेट हम लोगों ने लगा दिए, अब वेट करते हैं, जैसे अपना टारगेट अचीव होता है आप लोगों को मैं अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं, 46,400 के ऊपर टॉप से मैंने अपना टारगेट मॉडिफाई करके 6 पॉइंट एक्सटेंड कर दिया था। ओके, और अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं प्रॉपरली अपने लेवल के हिसाब से। अब बात करते हैं सेटअप की, तो सेटअप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग विंडो का एग्जिट करते हैं यहाँ पर। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेटअप की, तो देखिए सबसे पहले आते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए मॉर्निंग में मैं यहाँ पर क्या प्लान कर रहा था कि मैं एक बार देखें बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा था। ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये पोस्ट डाला हुआ था कि देखिए मॉर्निंग में यहाँ पर कि ये एक परफेक्ट सेटअप बन सकता है बाइंग साइड के लिए विद स्नैप डाला था, बट लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ और डाली हुई थी कि ये येलो कलर का जो जॉइन है इसके ब्रेक होने के बाद ही हमें बाइंग साइड के लिए प्लान करना है, अदरवाइज हमें वेट करना है। तो देखिए यहाँ वेट करने का फायदा क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया, देन उसके बाद में यहाँ पर इसमें एक देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पुट साइड में ट्रेड सजेस्ट किया था 11:43। ओके, 350 पुट ऑप्शन। अब बात करते हैं सेटअप की, तो मैं वो बाइंग साइड के सेटअप के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल से प्लान किया था, तो इस जोन के ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस सपोर्ट जोन के नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस सपोर्टिंग वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पर दिया ब्रेकडाउन, साथ के साथ में अच्छा सेल ऑफ आया, और इस सपोर्ट जोन को जो कि यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, और इस सपोर्ट जोन को भी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया इसलिए होता। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पर हम आए छोटे टाइम फ्रेम पर, सिंगल मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो मैंने यहाँ पर वेट किया, ऐसा नहीं कि जैसे नीचे आता जा रहा है डाउन साइड में आ रहा था हम सेल करें, नहीं, नीचे आया मार्केट, रिट्रेसमेंट हुआ, तब यहाँ पर अगर हम फिबो लगा करके देखते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट यहाँ पर फिबो का जो बैठ रहा है ना 38% का लेवल बैठ रहा है, फिबो लगाते हैं जैसे रिसेंट यहाँ से जहाँ से मार्केट ने फॉल आना शुरू हुआ था और जो रिसेंट स्विंग लोग लगा है यहाँ का, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 38% के जोन से मार्केट ने यहाँ पर लिया हुआ सपोर्ट इस वाले 38 से। ओके, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, साथ के साथ में यहाँ पर एक लेवल बैठ रहा था कि ये एक साइकोलॉजी के हिसाब से कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था, मार्केट ने यहाँ पर साथ के साथ में एक ऐसी ट्रेड लाइन बनाई और फ्रेश बायर्स को यहाँ पर एंट्री कराया इसका ब्रेकआउट देख करके। अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ पिक्चर समझ में आएगी, ये देखिए ये वाली ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला, फ्रेश बायर्स यहाँ पर आए, अब साइकोलॉजी के हिसाब से सारे बायर्स यहाँ पर आएंगे, वो अच्छा खासा सेल ऑफ आया था ऊपर जाएगा उस थॉट्स के हिसाब से, तो यहाँ पर रैंडम बायर्स आएंगे सबके SL का होंगे इस जोन के आसपास। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से प्लान किया कि मार्केट जो है अच्छा खासा सेल ऑफ में आया, रिट्रेसमेंट हुआ है, टाइम स्पेंड कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया, रिजेक्शन ले रहा है, अगर रिजेक्शन ले रहा है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली कैंडल ग्रीन रेड में क्लोज हुई, मैंने इस जोन पर ट्रेड बना दिया, तो सिंपल आज का जो ये बॉटम था ये वाले सपोर्ट जोन, इसको अपना टारगेट प्लान किया। तो बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी और बहुत ही सिंपल सेटअप पर मैंने काम किया यहाँ पर, एक तो ऐसे कि देखिए यहाँ पर एक बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिला, देन उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया 38% का, उसके बाद में साइकोलॉजी के साइडवेज हुआ, मार्केट ब्रेकआउट दिया, बायर्स को ट्रैप किया, देन यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करते मार्केट डाउन साइड में आया, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान किया। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर सेटअप था और बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी पर मैंने काम किया, और हम लोगों ने बुक किया यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट 7800 प्लस का। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आज की ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था और क्या सेटअप था। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।